हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन और उसके साथ ही उसके सारे आंसर। तो ये सब शुरू करने से पहले हम एक श्लोक से इसकी शुरुआत करेंगे। तो श्लोक क्या है? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, स्वान निद्रा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। मतलब क्या होगा सर इसका? इसका मतलब होगा काक चेष्टा। काक चेष्टा मतलब कौवे जैसा क्या होना चाहिए, आपको जानने की इच्छा होना चाहिए। बको ध्यानम, बको ध्यानम मतलब बगुले जैसा फोकस, ध्यान होना चाहिए आपको किसी भी अपने लक्ष्य पर। इसके बाद क्या था? बको ध्यानम। फिर स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होना चाहिए, क्योंकि एक कील गिरे तब आपकी नींद खुल जाए, ठीक है? स्वान निद्रा। फिर क्या आता है आपका? फिर आएगा आपका अल्पहारी। अल्पहारी मतलब कम खाने वाला, आपको क्या है आवश्यकता अनुसार खाना चाहिए। समझे नहीं समझे? क्या गृह त्यागी? गृह त्यागी मतलब क्या होता है? अगर पढ़ाई लिखाई के लिए आपको अगर कहीं बाहर भी जाना पड़ रहा है तो आप जाइए, क्योंकि ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। विद्यार्थी में ये सारे 5 लक्षण विद्यमान होने चाहिए तो वो अपने जीवन में अवश्य सफल होता है, ठीक है? अब चलो अपन है ना, अब ये शुरू करते हैं अपने 10th के क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के। सबसे पहला अपना है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है भाई साहब? क्या जब अभिकारक और उत्पाद में दोनों की संख्या क्या हो, परमाणुओं की संख्या समान हो, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना? वो समान नहीं हो तो इसे संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहेंगे, इसको समान करना पड़ता है अपने को, ठीक है? आगे चलते अगले अपने अभिक्रिया दी है कौन सी? पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया बेरियम क्लोराइड से करेंगे अपन, बेरियम आयोडाइड से करेंगे तो क्या बनेगा? पोटेशियम आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा? पोटेशियम आयोडाइड बनेगा और बेरियम ब्रोमाइड बनेगा, बेरियम ब्रोमाइड बनेगा। मतलब क्या है? मतलब ये कहने का है कि के किसके पास चल जाएगा? आई के पास चल जाएगा और ये बी आर बी ए के पास चल जाएगा, है ना? ये देखो इधर हो रहा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि दो लोग इधर से उधर बैठ रहे हैं, जगह बदल रहे हैं, तो भाई इसीलिए दो लोग बदल रहे हैं ना, तो इसीलिए इसको कह देंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन मैंने DVP लिख दिया है, DVP आप द्विविस्थापन समझ जाइएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। जिंक कार्बोनेट की क्रिया अपन को इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जिंक और एक इधर से ओ ले लेगा तो ZNO बन जाएगा, है ना? और CO3 क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा मतलब अलग हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा, है ना? तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जब कोई चीज निकले टूटे, ये ZnCO3 टूटा तो क्या बन गया? ZnO और CO2 बन गया, तो ये क्या होगा? जिंक बन गया, नहीं बन गया? आगे चलते हैं। H2 plus Cl दोनों जुड़े तो क्या बन गया? इसी को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जब दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं तो संयोजन अभिक्रिया। जब दो एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बनाता है तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद चलते हैं अपन ये कौन सी है, क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन क्या है? मतलब कहने का मतलब ये है कि जब देखो Mg है और 2HCl है, इन दोनों की क्रिया कराई अपन ने तो क्या बना? Mg और Cl और क्या निकली? H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। क्या है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। आगे चलते हैं भैया अपन। ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है भैया? अपन ने अभिक्रिया लिख रखी है, इसी के माध्यम से मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। अब देखो जब CH4 की क्रिया अपन ने 2O2 से करवाई तो क्या बना? CO2 बना, है ना? C और यहाँ से 2O2 ले लिए तो CO2 बन गया। अब फिर यहाँ H2 था, अब यहाँ से क्या बन जाएगा? 2H2। मतलब कहने का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा? जल बनेगा, है ना? और क्या होगा? ऊष्मा इसमें ऊष्मा निकलेगी, उत्सर्जन होगा और ऑक्सीजन की अधिकता होगी। सर समझ में नहीं आया हमारे, ठीक है? अब देखो सीधी सिंपल सी बात है ये क्या है? देखो जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन मतलब निकलेगी,
निकलेगी उसे क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, है ना। तो इसमें ऊष्मा निकल रही थी तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा, अवशोषण होगा तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा का अवशोषण होगा तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस, है ना, इसको गर्म करेंगे अपन तो क्या होगा, PbO2 PbO हो जाएगा और 4NO2 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की क्या कमी होगी, इसमें अधिकता हो रही थी इसमें कमी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, ये ऊष्मा शोषी हो जाएगी। इसमें ऊष्मा का क्या होता है, शोषण होता है, मतलब ऊष्मा ली जाती, इसमें ऊष्मा दी जा रही थी, क्या निकाली जा रही थी। आगे चलते, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को कहते हैं। भाई देखो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया अभी पढ़ा क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है भाई ऊष्मा का उत्सर्जन। अब उत्सर्जन हो रहा है तो ये क्या बोल रहा है कि ये मंद दहन अभिक्रिया है, दहन मतलब जलने वाली, क्या मंद है, मंद गति से जलती रहती है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसमें क्या क्या निकलता है, CO2 H2O और ATP, इसमें तीन चीज निकलती, CO2 H2O ATP, CO2 H2O ATP, CO2 H2O ATP। अब सुनो, अब देखो ये तो आप जानते हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब क्या होता है पानी, और यहाँ से ATP, ADP मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे चलते, विस्थापन और द्विविस्थापन, विस्थापन और द्विविस्थापन क्या चीज है। अब देखो Fe को सॉलिड फॉर्म और CuSO4 का कौन सी फॉर्म में, एक्वा मतलब लिक्विड फॉर्म में, इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो अपन क्या बनेगा, FeSO4 और Cu, है ना, मतलब क्या है देखो, और ए इसमें अब देखो Fe क्या हुआ, Fe Cu की जगह आ गया, Cu अकेला छूट गया, ठीक है, यही हुआ, ये Cu को इसकी जगह आ गया, इधर आया नहीं आया, तो और ये Fe जो मतलब जो Fe था वो इसकी जगह उठ के आ गया और Cu अकेला छूट गया, छूटा नहीं छूटा, तो इसमें क्या है, विस्थापन हुआ है, विस्थापन हुआ नहीं हुआ, किस चीज़ का, कितनी चीज़ का, एक चीज़ का, तो क्या है विस्थापन अभिक्रिया। जब दो चीज़ का विस्थापन होगा तो द्विविस्थापन। अब जैसे देखो Na2SO4 है ना, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब अपन ने क्रिया कराई तो क्या बना, 2NaCl है ना प्लस BaSO4, मतलब 2NaCl प्लस BaSO4, मतलब क्या है, ये Na था मतलब ये सोडियम था, इसने इधर क्लोरीन के साथ क्रिया कर ली, ये भी दो था, ये भी दो था, क्रिया करके क्या बना लिया, 2NaCl बना लिया, है ना। आगे चलते हैं, बेरियम सल्फेट और क्या हुआ, ये Ba था, इसने इससे क्रिया करके, ये सल्फेट से क्रिया करके क्या है, बेरियम सल्फेट बना लिया, काय कौन सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। आगे चलते हैं अपन, आगे चलें भाई, आगे क्या है, एट नंबर क्वेश्चन होगा, नाइन नंबर का अपना क्वेश्चन है, क्या है अवक्षेपण क्या है। अभिक्रिया का नाम सुना, जब किसी अभिक्रिया में, है ना, जब किसी अभिक्रिया कराते हैं अपन और लास्ट में क्या बच जाए, अविलेय ठोस बच जाए, अविलेय ठोस मतलब जो घुले नहीं, अविलेय जो विलय नहीं हुआ उसमें घुले नहीं, नीचे जम जाएगा क्या, तो क्या कहते हैं उसे, अविलेय ठोस, है ना, अविलेय ठोस बच जाए तो उसे अवक्षेप कहते हैं, अवक्षेप, और इस क्रिया को क्या कहेंगे, अवक्षेपण कहेंगे। आगे चलते हैं, इसकी एक देखो अपन अभिक्रिया देख लेते हैं, AgNO3 plus NaCl, AgNO3 plus NaCl की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, AgCl, है ना, अवक्षेपण और फिर NaNO3, है ना, मतलब क्या है, ये Ag क्रिया कर लेगा ये Cl से तो AgCl हो गया, और ये Na क्रिया कर लेगा NO3 से तो क्या बन जाएगा, NaNO3, समझ गए, ये अवक्षेप बना है AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड है ये, Ag को सिल्वर बोलते हैं। आगे चलते अपन उपचयन, उपचयन क्या होती है, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो, जब किसी अभिक्रिया में, उपचयन मतलब क्या होगा, उपचयन वह क्रिया होती है जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, ये प्लस इसलिए लगाया क्योंकि योग होता है, तो क्या कहलाएगी, उपचयन कहलाएगी, क्या था, अपचयन, अपचयन मतलब जब इस किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या हो मतलब घटे तो उसे क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। जैसे कि देखो समझो मेरी बात, उपचयन की अभिक्रिया ये है सी प्लस ओ टू तो सी ओ टू, योग हुआ, जैसे CO C से O2 जुड़ गया तो CO2 बन गया, C से O2 जुड़ गया CO2 बन गया। आगे चलते हैं, अपचयन क्या हुआ, जब ZnO, अब समझो देखो ZnO से C जुड़ा तो क्या बन गया, Zn प्लस CO, Zn प्लस CO, ठीक है, Zn प्लस CO तो क्या बना, Zn प्लस CO।
आगे चलते हैं बार बार लोहे वस्तु पेंट। लोहे की वस्तु पर पेंट क्यों करते हैं भाई? देखो लोहे की वस्तु पर पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि लोहे की वस्तु पर पेंट नहीं करो तो उस पर क्या है, वह नमी, लोहा जो होता है नमी के साथ तो वायु के साथ क्रिया करके क्या कर लेता है, संक्षारण की क्रिया कर लेता है, जिससे जंग लग जाती है, जंग लोहा सड़ने लगता है। अब भाई वायु उसमें मिली है तो क्या हो जाएगा, उसका भार भी बढ़ जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन आता है कि अब कि लोहे पर मतलब जंग लगने से वस्तु का भार बढ़ता है या घटता है, तो बढ़ता है। ठीक है आगे चलते हैं अपन। अब से तेल वसा युक्त नाइट्रोजन मतलब क्या है, अगला क्वेश्चन अपन मतलब तेल वसा युक्त नाइट्रोजन मतलब तेल या तेल व वसा युक्त वस्तुओं को नाइट्रोजन में मतलब नाइट्रोजन गैस में क्यों रखा जाता है? कुकुरे कुकुरे देखें देखें कुकुरे के पैकेट, कुकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि वह देखो कुकुरों से क्रिया नहीं करती, कुरकुरों से क्रिया नहीं करती या चिप्स है इनसे क्रिया नहीं करती, इसलिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब वो बोल रहा था ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं भरी जाती, ऑक्सीजन गैस क्रियाशील होती है वो क्रिया कर लेती, नाइट्रोजन गैस क्रियाशील नहीं होती क्रिया नहीं करती। जिस तरह भाई देखो साइकिल के टायर हुआ, गाड़ी के टायर हुआ, नाइट्रोजन गैस भरते हैं इनमें, हवाई जहाज के टायर में हीलियम भरते हैं। क्यों? क्यों वो ऊपर उड़ रहा है ना, ऊपर उड़ रही है, ये नीचे ही है ना, इसलिए हीलियम हीलियम गैस भरी जाती है ताकि के क्या है ज़्यादा से ज़्यादा हल्का बन सके, है ना, और अक्रियशील होती है हीलियम गैस। आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं संक्षारण और विकृत गंधी क्या है। देखो संक्षारण क्या कहलाएगा, लोहे की वस्तु पर क्या है मतलब लोहे की वस्तु को खुला छोड़ दिया जाएगा तो उनका क्या होगा, क्या नमी है वायु है की उपस्थिति में क्या होगा, मतलब क्या होता है अगर क्षरण होने लगेगा, मतलब नाश होने लगेगा एक तरह से कहे तो इसी चीज़ को क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। ठीक है संक्षारण कहेंगे, तो इस पर लिख देना लोहे पर जंग लगना। ठीक है लोहे पर जंग लगना विकृत गंधी, विकृत गंधी मतलब ये होता है कि भाई कोई भी पदार्थ है तेल तेल वसा युक्त पदार्थ है उनका क्या होना, तेल या वसा युक्त पदार्थ है उनका क्या है मतलब बेकार हो जाना, क्या बेकार हो जाना अंदर से क्या है बेकार हो जाना, लंबे समय तक रखे रहते हैं ना कुरकुरे की थैली कैसे हो जाती है एकदम कहीं कैसी बास आने लगती है, तो उसी को विकृत गंधी कहते हैं, है ना, इसका उदाहरण लिख लेना विकृत गंधी कहते हैं ना, उसका उदाहरण लिख लेना चिप्स। ठीक है आगे चलते अपन, एक लास्ट बचा है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स या उपापचय अभिक्रिया, उपापचय 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 अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। भाई देखो अपचयन उपचयन का एक साथ होना क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। अपचयन उपचयन का एक साथ होना रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन उपचयन का एक साथ होना रेडॉक्स अभिक्रिया।